नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में 13 जुलाई 2018 की सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, रेलवे ग्रुप डी, ALP, RPF, SSC इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर ऐड हो जाइए। मैं वहाँ पर आपको PDF सेंड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबाकर, और बेल आइकन पर ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स को कवर कर रहा हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर जाकर पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सरकार ने हाल ही में बड़ी मादक पदार्थ संबंधी हत्याओं और जेल से मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को देखते हुए अपराधियों के लिए सजाए मौत बहाल करने संबंधी कदम को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है, तो उस देश का नाम क्या है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, श्रीलंकाई सरकार। जी हाँ दोस्तों, ये जो निर्णय है वो आपका श्रीलंकाई सरकार ने लिया, और श्रीलंका के जो आपके राष्ट्रपति हैं उनका नाम है दोस्तों मैत्रीपाल सिरीसेना, और आपके प्रधानमंत्री हैं आपके विक्रम नारायण सिंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस के चेवरकुल्सकी में संघाई सहयोग संगठन की अगस्त 2018 में होने वाले सांझा मैत्री अभ्यास पीस मिशन 2018 में भारत, पाकिस्तान और किस देश की सेनाएं संयुक्त युद्ध अभ्यास करेंगी? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है चीन। जी हाँ दोस्तों, पीस मिशन 2018 में भारत, पाकिस्तान और चीन देश की सेनाएं एक साथ युद्ध अभ्यास करेंगी। और आप सभी जानते होंगे चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके सी जिनपिंग, और चीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके ली के कियांग। पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आपके ममनूक हुसैन, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके शाहिद खान अब्बासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर पर विश्व में सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किस महिला को फॉलो किया जाता है? सुषमा स्वराज, हिना रब्बानी, खर इवा कैली या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए, सुषमा स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य ने राज्य व्यापार सुधार आकलन 2018 के अनुसार इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो उस राज्य सरकार का नाम क्या है? बी, आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य ने राज्य व्यापार सुधार आकलन 2018 के अनुसार एज ऑफ डूइंग बिजनेस शीर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके चंद्रबाबू नायडू, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? 2 जून 2014। चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं वो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, और सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं आपके माणिक सरकार, जो कि आपकी त्रिपुरा के थे, लेकिन अभी हाल ही में जो त्रिपुरा के नए नियुक्त हुए उनका नाम है विप्लव कुमार देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कितने पुलिस पदक आरंभ किए? 5, 4, 7 या 8? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या है? ए, 5। जी हाँ दोस्तों, 5 पदक जो हैं पुलिस पदक आरंभ किए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट ने नई दिल्ली में किस देश के मीडिया कर्मियों के लिए 5 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया? नेपाल, चीन, रूस या भूटान? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है डी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहली बार इंटरनेट टेलीफोन या टेलीफोन सेवा आरंभ की? वोडाफोन, आइडिया, जियो या BSNL? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है डी, BSNL। जी हाँ दोस्तों, BSNL कंपनी ने भारत में पहली बार इंटरनेट टेलीफोन सेवा आरम्भ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंटरनेट की आज़ादी से संबंधित किस सेवा को भारत से आरंभ किए जाने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी प्रदान की? नेट न्यूट्रलिटी, फ्री वाईफाई, एक्सेस पॉइंट, मुफ्त वॉइस कॉल, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए, नेट न्यूट्रलिटी। अब नेट न्यूट्रलिटी होता क्या है, इसके लिए एक वीडियो बनाने पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से कौन से स्थान पर है? चौथे, पांचवे, छठे या सातवें? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है सी, छठे। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने प्रवासी प्रवासियों बच्चों के परिवारों से अलग करने के लिए ट्रंप की निंदा की? तो उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम है मलाला यूसुफ रजई, जो कि आपकी पाकिस्तान की नोबेल प्राइज विजेता थी। तो दोस्तों ये था आपका 13 जुलाई 2018 का करेंट अफेयर्स। अब मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन मैं ऐसा पूछूंगा जिसमें आपको उत्तर देना पड़ेगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों वो ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है कि रूस के चिवर कुलसी में संघाई सहयोग संगठन के अगस्त 2018 में होने वाले साझा मैत्री सैन्यभ्यास पीस मिशन 2018 में भारत, पाकिस्तान और किस देश की सेनाएं युद्धाभ्यास करेंगी, ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, नेपाल, चीन, रूस या जापान। तो दोस्तों आपका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।